समरणीय तत्व है। सबसे पहले देखेंगे भारत के केरल, भारत के केरल राज्य के, ठीक है, देख रहे हैं, लिखा भी नहीं रहा इस पे, ठीक है। पलक्कड़ जिले के किस वकील ने 11 सितंबर 2023 तक एक जीवित रहते हुए सर्वाधिक समय तक वकालत करने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया? क्या नाम है वकील का, नाम क्या है? बाल सुब्रमण्यम मेनन, ठीक चालक है। ये सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाले बन गए, क्या बन गया है? सर्वाधिक समय तक जीवित रहते हुए वकालत करने वाले केरल के वकील है, नाम क्या है इनका, क्या नाम है? पी बाल बाल सुब्रमण्यम मेनन, ठीक है। इसी नाम के एक सिंगर भी है, ठीक है, बाला साहब उनको बोलते हैं। कितने वर्षीय थे? तो 97 वर्षीय थे, ध्यान में। कितने साल के थे? 97 साल के थे। जल्दी से कितने साल के थे? 97 साल के थे। कितने साल के, ध्यान में, 97 साल के थे। तो 97 साल के पी बाल सुब्रमण्यम मेनन को जीवित रहते हुए, ठीक है, 73 वर्ष, ठीक है, 73 वर्ष 60 दिन तक वकालत करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है, सम्मिलित किया। ये 97 वर्ष के थे, इन्होंने कितने वर्षों तक तो वकालत किया? तो 73 वर्ष, ठीक है, 73 वर्ष 60 दिन तक इन्होंने वकालत किया, ठीक है। भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड, ठीक है, भारतीय वायु, माइक बंद कर लीजिए। भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किस नाम से, ठीक है, किस नाम से वार्षिक युद्ध अभ्यास किया? क्या नाम है? पूर्वी आकाश, ठीक है। तो आसान है, याद करना, भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न का मतलब क्या होता है? पूरब होता है। तो किस नाम से, मतलब इन्हें एक्सरसाइज किया है, तो ध्यान रखेंगे क्या है, पूर्वी आकाश, ठीक है। पूर्वी आकाश। हाँ बिल्कुल, पूर्वी आकाश, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने भाग लिया तथा दोनों ने मिलकर पूर्वी क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाकों का, मतलब क्या, अभ्यास किया, ठीक है। भारत ने 7 नवंबर 2023 को ओडिशा के अबुल कलाम, सॉरी अब्दुल कलाम आइलैंड से, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक है, मतलब सफल परीक्षण किया? क्या नाम है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या नाम? प्रलय नाम है, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, एसआरबीएम। एसआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो एसआरबीएम का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है? एसआरबीएम, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, आगे चलेंगे तो आप हमें बताइएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से सतह, ठीक है, प्रलय कैसे मार करती है? तो सतह से सतह पे मार करती है। प्रहार करने वाली प्रलय मिसाइल के तीसरा परीक्षण था। इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे, 150 से लेके 500 किलोमीटर तक है। कितनी है? 150 से लेके 500 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, ठीक है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चरल, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी, ठीक है, एंड दी ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 11वां ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से 1 नवंबर 2023 को देने की घोषणा की गई? क्या नाम है उनका? नंदिनी दास। नंदिनी दास को पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला है? 11वां ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज पुरस्कार मिला है, ठीक है, किस पुस्तक के लिए? तो कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी, ठीक है, ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नंदिनी दास ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में अर्ली मॉडर्न लिटरेचर की प्रोफेसर है। उन्होंने कोलकाता में, ठीक है, उन्होंने कोलकाता में, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड में पढ़ाई की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में डॉक्टरेट की, मतलब क्या, की प्राप्त की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2023 को जारी 55 देशों की नई क्रिएटिव सिटीज में भारत के किन दो शहरों को, मतलब सिटी को नामित किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब दोनों शहर की बात करेंगे तो एक शहर लिटरेचर ऑफ सिटी तथा म्यूजिक ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर तथा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया, किसे किया है तो क्या बताएंगे? तो कोझीकोड, ठीक है, कोझीकोड को मतलब किस लिए, लिटरेचर के लिए, और ग्वालियर के लिए, मतलब सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। दोनों शहर को मतलब चुना गया, टोटल कितने शहर चुने गए? तो टोटल मतलब 55 देशों की सूची में इनको शामिल किया गया, ठीक है, इस बार 55 देश चुने गए, ठीक है। कब मनाते हैं वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ 31 अक्टूबर को, ठीक है, एक पुण्यतिथि है, एक जन्मतिथि है। पुण्यतिथि की बात सरदार करेंगे तो वल्लभ ध्यान भाई रखेगा, ठीक है, जन्मतिथि है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुण्यपति इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, ठीक है। हाँ, पटेल। 31 अक्टूबर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी मतलब पास हो गया था, ठीक है, लागू हो गया था, सॉरी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसकी घोषणा
घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर की। कोझिकोड जो पहले, ठीक है, कालीकट के नाम से जाना जाता था, कोझिकोड को पहले किस नाम से जानते थे, तो कालीकट के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे कोझिकोड को पहले, तो कोझिकोड को पहले कालीकट के नाम से जानते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। जाना जाता था 500 से अधिक पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ पे कितने 500 से अधिक पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। ग्वालियर संगीत के बैजू बावरा तानसेन ग्वालियर घराने के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। ग्वालियर संगीत के बैजू बावरा तानसेन, ये दोनों के दोनों मतलब ध्यान में, ठीक है, ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध है। तो इसके लिए मतलब ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक और इसको मतलब सिटी ऑफ लिटरेचर से खिताब से नामित किया गया, ठीक है। भारत के किस क्रिकेटर ने भारत के किस क्रिकेटर खिलाड़ी की मूर्ति क्रिकेट खिलाड़ी की मूर्ति का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, 1 नवंबर 2023 को किया गया। तो ध्यान रखेंगे तेंदुलकर साहब, कौन सा तेंदुलकर साहब। जर्सी नंबर कितना इनका, जर्सी नंबर दस 10, कितना जर्सी नंबर कितना 10, याद रखिएगा। तो सचिन की तांबे की मूर्ति शिल्पकार प्रमोद कांबले ने बनाई है, किसने बनाई है, किसने बनाई इनकी तांबे की मूर्ति को, तो प्रमोद कांबले ने बनाई, किसने बनाई है, प्रमोद कांबले ने बनाई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका अनावरण उसके जीवन के 50वें वर्ष में किया गया, ठीक है, दिख नहीं रहा, तो आवाज दो नहीं आएगी, ठीक है, दिख ही नहीं रहा मुझे इसमें, ठीक है। जिसका अनावरण उसके जीवन के 50वें वर्ष में किया गया, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित सचिन के नाम अनेक रिकॉर्ड है, ठीक है, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 नवंबर 2023 प्राप्त किया, किसे मिला ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, तो केरल को मिला है, किसे मिला है, केरल को मिला है, ठीक ठीक है। है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा प्रारंभ किए गए, ठीक है, बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड कैटेगरी में केरल को यह अवार्ड मिला। कल से या तो क्या करेंगे, फोटो खींच के जिनके पास अच्छा सुंदर वाला मोबाइल होगा, ठीक है, वो एक तो क्या करेंगे, जो जो पीडीएफ हम बोलेंगे वो भेज देंगे फोटो खींच के, तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो इस वाले पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितना भी मार्केट में पीडीएफ अपलेबल है सबको एडिट करके उसके ओरिजिनलिटी को खराब कर दिया, वो जूम ही नहीं होता है। तो जिनके पास भी है, जिनके पास भी जनवरी माह का पीडीएफ है, तो फोटो खींच के भेजे, ठीक है, मतलब पीडी है जिनके पास। 6 नवंबर 2023 को, 6 नवंबर 2023 के किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के पद पर नियुक्त किया गया, क्या नाम है उनका, ठीक है, हीरा लाल समझिया, ठीक है। इनको पद की शपथ किसने दिलाई, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने, ठीक है। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में, सीआईसी कौन है, हीरा लाल, राजीव हेलो, राजीव कुमार, हीरा लाल समारिया, हीरा हीरा लाल लाल समारिया, चतुर्वेदी ठीक है, ध्यान रखें। तो शपथ किसने दिलाई, तो राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई है, ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के हीरा लाल समारिया दलित वर्ग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, कैसे है, दलित वर्ग के है, ठीक है। यह पद वाई के सिन्हा ने 3 अक्टूबर 2023 को रिटायर होने के बाद रिक्त था, ठीक है। रेलवे के किस अधिकारी को 2 नवंबर 2023 को स्पोर्ट्स ऑफिसर ऑफ इंडिया साई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक है। रेलवे के किस अधिकारी को, मतलब डॉक्टर संचित त्यागी, किसे किया गया है, तो डॉक्टर संचित त्यागी को नियुक्त किया गया था। रेलवे के किस अधिकारी को 2 अक्टूबर 2023 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, संचित त्यागी को, ठीक है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ठीक है, IRTC होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ठीक है, IRTC होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें, इसका भी एग्जाम यूपीएससी ही लेती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि रेलवे इज द सब्जेक्ट टू स्टेट, ठीक है, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ, सेंट्रल, ठीक है, लेकिन इसका भी एग्जाम, मतलब ये सब भी बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। के अधिकारी संचित त्यागी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया, संचित 2021 2021 से नेशनल बुक ट्रस्ट में एक निदेशक के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। भारतीय सेना वायुसेना नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से 13 से 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था, क्या बताएंगे, त्रिशक्ति प्रहार, क्या नाम रखा गया, त्रिशक्ति प्रहार नाम इसका रखा गया, ठीक है, याद रखेंगे, बोलते रहिए, बोलते क्यों नहीं है। संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास जैसलमेर में हुआ, जिसमें 25,000 सैनिकों ने मतलब क्या हाँ फिर किया, वो तो भाग माइक लिया, बंद रखो तो बोले दस क्या, अरे बोलना है, मतलब माइक बंद रखना, मतलब जहां से बंद हल्ला हो रही वहां से माइक बंद करना है, जहां से हल्ला नहीं हो रही वहां से माइक नहीं बंद करना है, निगेटिव क्यों लेते हैं आप लोग, अभी बहुत जगह से हल्ला होती है वहां पे बोलते हैं माइक बंद करने के लिए। अब चल, अमेरिका में न्यूयॉर्क में 20 नवंबर 2023 को आयोजित एमी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में भारत की किस महिला फिल्म एवं टेलीविजन श्रृंखला निर्माता को डायरेक्टोरेट के अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, ठीक है, कपूर। एकता कपूर को, ठीक है, एकता कपूर को, ठीक है। उनके लिए माइक जो ऑफिस में रहते हैं बाहर रहते हैं तो उनको नहीं खोलना है, क्योंकि आवाज होगी, डिस्टर्बेंस होगी, बाकी जो शांति जगह में है बोलिए।
एकता कपूर एमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला बन गई है, निर्माता है। साथ ही वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड पर कॉमेडी उनके नेटफ्लिक्स कॉमेडी जी के स्पेशल शो को मिला है। ठीक है, किस राज्य में 21 नवंबर 2023 को सरकारी सेवा और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश 75% आरक्षण लागू किया गया? किधर किया गया? तो ध्यान रखें बिहार में किया गया। कहाँ पे? बिहार में किया गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आप बताइएगा, बिहार की नई जनजातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की, ठीक है, सीमा 50 से 65% कर दी गई। पहले जो जारी 60% से बढ़ाकर 75% आरक्षण किया गया, जिसमें 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में हॉल ऑफ फेम नवंबर 2023 में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? तो वीरेंद्र सहवाग को, और साथ में किसे हैं? डायना एलडूजी को। ठीक है, ध्यान, भारतीय प्रथम महिला है। ठीक है, और डायना एलडूजी भारत के है, डायना एलडूजी भारत की है, वो अरविंद डी सिल्वा है, ठीक है, जिनको शामिल किया गया इन लोग के साथ। डायना एलडूजी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने में प्रथम महिला खिलाड़ी है। ठीक है, प्रथम महिला खिलाड़ी भारत की तरफ से। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग के साथ श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर को किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की, ठीक है, क्या करी घोषणा की है? तो ध्यान रखे सौरभ गांगुली को। ठीक है, अब चलेंगे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष तथा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इन्होंने शाहरुख खान का स्थान लिया। ठीक है, पहले कौन था पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान था। अब कौन हो जाएंगे? तो मतलब गांगुली साहब हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो और बताइएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता 10 नवंबर 2023 को निलंबित कर दी गई? तो श्रीलंका होगा। ठीक है, बिल्कुल, आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका की सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण उनकी सदस्यता को मतलब क्या कर दी? रद्द कर दी। इसके कारण श्रीलंका की टीम भी आईसीसी टूर्नामेंट में फिलहाल भाग नहीं ले सकती है। ठीक है, G7 की बात करेंगे तो G7 देशों में कौन कौन शामिल है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की, ठीक है, 7 से 8 नवंबर 2023 को मीटिंग कहाँ पे संपन्न हुई? तो क्या बताएं कहाँ पे मीटिंग संपन्न हुई? तो टोक्यो टोक्यो, जापान में संपन्न हुई टोक्यो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे, G7 देशों का 49वां सम्मेलन 2023 में संपन्न हुआ था, इसका आगामी सम्मेलन 2024 में इटली में प्रस्तावित है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था 49वां सम्मेलन, कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, G7 देशों का 49वां सम्मेलन मई 2023 में संपन्न हुआ, इसका आगामी सम्मेलन कहाँ पे होगा? इटली में प्रस्तावित है। ठीक है, ये 2023 वाला जापान में हुआ है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश के बीच किस पहली रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 नवंबर 2023 को किया? क्या नाम है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, अगरतला। अखरौरा और अगरतला। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, अखरौरा कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है, अगरतला तो जानते ही है, भारत का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है रेल लिंक लाइन का, क्या नाम है, क्या बताएंगे? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए जरा। ठीक है, अखौरा अगरतला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अब चलेंगे आगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से निर्मित परियोजनाओं, ठीक है, अखौरा अगरतला रेलवे लिंक, खुलना मंगला पोर्ट, ठीक है, ध्यान, खुलना मंगला पोर्ट रेल लाइन, ठीक है, खुलना मंगला पोर्ट रेल लाइन, और बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में रामपाल में मैथिली सुपर थर्मल पावर। अब देखिए, अब कोई बाहर गाड़ी चला रहा है अभी रात के समय में, इनको बोलते हैं माइक बंद करने के लिए। ठीक है, और बांग्लादेश के रामपाल में मैथिली सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फाल्गुनी शाह एवं गौरव शाह द्वारा, ठीक है, गाया गया कौन सा गाना 2024 में ग्रेमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है? क्या नाम है गाना का नाम? एविडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, एविडेंस इन मिलेट। ठीक है, ध्यान रखें, ये एविडेंस इन मिलेट के सिंगर कौन है? तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। क्या नाम है? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज भी इस गाने में सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तथा यह बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, ठीक है, परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान में, ठीक है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? तो ध्यान रखेंगे, डेविड कैमरून को। किसे नियुक्त किया है? डेविड कैमरून को। डेविड कैमरून 2010-16 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री रहे थे, 2010 से लेके कब तक रहे थे? 2016 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने थे। देखिए, इसी के समय में ब्रेक्जिट हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
10 से लेकर 16 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे थे। विदेश मंत्री जेम्स ब्रेबरमैन की जगह पे कैमरून ने पद संभाला। ब्रेबरमैन को गृह मंत्री बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले ब्रेबरमैन तो यहाँ पे क्या थे, विदेश मंत्री था, वो गृह मंत्री बन गए, ठीक है। और कैमरून साहब ने फिर से यहाँ पे वित्त मंत्री क्या बनाया गया, विदेश मंत्री बनाया गया। श्रीलंका के किस टेस्ट क्रिकेट श्रीलंका किस क्रिकेट बल्लेबाज को 6 नंबर होता था, इसको बांग्लादेश के मैच बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में एम्पायर द्वारा टाइम आउट दिए जाने के कारण यह इस प्रकार आउट होने वाले पहला खिलाड़ी बन गए। खिलाड़ी का नाम क्या है, एंजेलो एंजेलो मैथ्यूज। मैथ्यूज। क्या नाम है खिलाड़ी का नाम, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। आईसीसी के नियम, ठीक है, ध्यान, आईसीसी के नियम 14.1.1 टाइम आउट नियम के अनुसार किसी खिलाड़ी को आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में, ठीक है, क्रीज पर पहुंचना होता है। यदि नया बल्लेबाज ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे टाइम आउट कर दिया जाएगा। कौन सा नियम है, 40.1.1, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के अंत में रिकॉर्ड 8वीं बार, ठीक है, एटीपी नंबर 1 रैंक प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, नोवाक जोकोविच ने, किसे किया, नोवाक जोकोविच ने किया, ठीक है। कहाँ के है, सर्बिया के, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 13 नवंबर 2023 को इटली के ट्यूरिन में एटीपी टूर फाइनल में विजय प्राप्त करके, ठीक है, वर्षात के मतलब वर्ष के अंत वर्षात के नंबर एक खिलाड़ी का खिताब जीता। जोकोविच ने रिकॉर्ड 24 साल एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। जोकोविच ने कितने रिकॉर्ड जीते हैं, तो 24 एकल ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के किस पुलिस अधिकारी का 2023 की संयुक्त राष्ट्र भुवन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2023 प्रदान किया गया, क्या नाम है उसका, इनका नाम है रेनिटा रियस मैंती। क्या नाम है, रेनिटा रिस मैंती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ की है, कहाँ की ये आपकी इंडोनेशिया की है, ठीक है। इंडोनेशिया किस पुलिस अधिकारी को 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, रेनिटा रिस मैंती को। इंडोनेशिया के पुलिस अधिकारी रेनिटा रिस मैंती को इवेन इवेन पीस यूएस पीस कीपिंग यूएस पीस की भी मिशन इन द, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कार्यरत है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, तुर्की से भारत जा रहे हैं किस कार्गो शिप को यमन में हुती विद्रोहियों ने, ठीक है, 16 नवंबर 2023 को, ठीक है, लाल सागर में बंधक बना दिया। नाम क्या है उसका, गैलेक्सी लीडर। क्या नाम है, क्या नाम है उसका, गैलेक्सी लीडर। क्या नाम है उसका, गैलेक्सी लीडर, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हुती विद्रोही ने दावा किया कि उन्होंने एक इजरायली जहाज को बंधक बना लिया। जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के तहत पंजीकृत है जिसे एक जापानी कंपनी चलाती है। यह समाचार के अनुसार इसका आंशिक स्वामित्व इजरायल के, ठीक है, इजरायल के, ठीक है, अब्राहम उंगर के पास था जिसे जापानी कंपनी को लीज पर दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल सल्वाडोर ने 18 नवंबर को, ठीक है, 18 नवंबर को अल सल्वाडोर में 18 नवंबर को आयोजित, ठीक है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में कौन कौन मिस यूनिवर्स चयनित हुए, क्या नाम है इसका, सेनिस प्लेसियोस, ठीक है, निकरागुआ के, ठीक है। तो 72वें नंबर के मिस यूनिवर्स चुनी गई है, 71वें नंबर का मिस वर्ल्ड भी चुनी गई है, ठीक है, ध्यान रखें, 71वें नंबर के मिस वर्ल्ड भी, ठीक है। निकरागुआ की सेनिस प्लासिनोस मिस यूनिवर्स, थाईलैंड की एंटोनिया, क्या नाम है, एंटोनिया एंटोनेटी एंटोनिया पेरोसिल्ड, और ऑस्ट्रेलिया के मोराया विल्सन क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर अप रही थी, ठीक है। आप चलेंगे, किस किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज, ठीक है, 19 नवंबर 2023 को काले सागर में डूब गया, क्या बताया, तुर्की का मालवाहक जहाज, क्या नाम था इसका, क्या नाम है, काफका मेलेटर। क्या नाम है, काफका मेलेटर, हाँ काफका मेटलर, हाँ काफका मेटलर। खराब मौसम के कारण इस्तांबुल से, ठीक है, 200 किलोमीटर के दूर इरेगली टाउन के तट, ठीक है, बाहरी समुद्र में डूब गया। जहाज पे 12 क्रू मेंबर क्या थे, सवार थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो सुनिएगा, अमेरिका की टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले, ठीक है, प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को, ठीक है, जारी की गई, जिसमें से किस भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे अजय बंगा साहब, कौन थे, अजय बंगा थे। गांधी जी का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था, 1930 में घोषित किया गया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत या भारतीय मूल के अन्य व्यक्तियों को ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल, ध्यान में रखेगा, भाविश अग्रवाल, राजीव जे शाह, ठीक, रॉकफेलर फाउंडेशन के है। गीता अय्यर की बात करेंगे, बोस्टन कॉमन एस्टेट मैनेजमेंट की है। जीगर से की बात करेंगे तो यूएस ऊर्जा विभाग का है।
मनोज सिन्हा की बात करेंगे तो हस्क पावर सिस्टम के है, ठीक है। सीमा बांधवा की बात करेंगे तो कैंसर परमानेंट है, ठीक है। और अमित कुमार की बात करेंगे, अमित कुमार सिन्हा पर महिंद्रा लाइफ एसेस में सम्मिलित, मतलब इन लोगों को भी शामिल किया, लेकिन मुख्य रूप से बंगा साहब का नाम याद रखेगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिनको संक्षेप में बीबीसी के नाम से जानते हैं, द्वारा 21 नवंबर 2023 को प्रकाशित विश्व की 100 प्रभावशाली, ठीक है, प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में, ठीक है, किस भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव को शामिल किया गया, ठीक है। फिल्म अभिनेत्री में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संभावना राजदूत जिया मिर्जा, भारत के महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर, ठीक है, और स्वतंत्र फोटोग्राफर एवं लेखक आरती कुमार राव को विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया गया। ये तो मतलब ये तो जानते हैं दिया मिर्जा, ठीक है, एक्ट्रेस रही है। क्या है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संभावना राजदूत भी है, और आरती कुमार राव की बात करेंगे तो फोटोग्राफर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आते हैं 28वीं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ठीक है, ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया, दुबई में किया गया, यूएई में, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसको संक्षेप में सीओपी बोलते हैं, COP28 यूएई में हुआ है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएनएफसीसी का आयोजन नवंबर दिसंबर 2023 में एक्सपो सिटी दुबई में किया गया। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट या फिर मैन ऑफ द सीरीज दिया गया? तो कोहली साहब को दिया गया, ठीक है। टूर्नामेंट में कोहली ने 765 रन बनाए, 765 डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और भारत के मोहम्मद शाही ने सर्वाधिक 2 दूना 4 24 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में हराकर विश्व कप जीत लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सार संग्रह, जिसमें आना है आप लोग को मजा, जिसके सारे क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सार संग्रह में कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, बताइए। पाटलिपुत्र में हुआ था किसने की थी? मुगले पुत्तिस ने। ब्लड ब्यूरिन के प्रकार के उपकरण किस काल की परंपरा के, ठीक है, प्राचायिक लक्षण है, तो क्या बताएंगे? ये नहीं पता, उच्च पुरा कसान, ठीक है, उच्च पुरा पसंद है। ऋग्वेद के किस मंत्र चातुर्वर्ण की अवधारणा आपको देखने को मिलती है, मतलब चार प्रकार के वर्ण किस में? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, दसवें मंडल में। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन कर ली? वहां बाबा तुगलक ने, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है, नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिलता मूर्ति है? मोहनजोदड़ो, ठीक है, ध्यान रखें। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ पे? राजसूय यज्ञ होता था कहाँ पे है? हाथी गुफा विलय किस शासक के विषय में जानकारी देता है? हार्वे खारवेल, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदगान कौन थे? बंदान कौन थे, ठीक है, उलेमा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में किससे मुस्तौफी मुस्तौफी ए मुमालिक का कार्य किया, क्या बताएंगे? किससे संबंधित था? लेखा परीक्षण था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त की गई कृषि उपकर, ठीक है, क्या कहलाते थे? अबाब, क्या बोलते थे? अबाब कहलाते थे, ठीक है। आप देखेंगे 1946 में गठित अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? पांच। पांच। टोटल 14, ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ? मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी। जालियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। सन 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में बनी थी, उसकी अध्यक्षता करेंगे तो हंटर ने किया, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरिस गवेर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, सर मोरिस गवेर से, ठीक है। सन 1882 में गठित हंटर कमीशन, ठीक है, किनसे संबंधित था? शिक्षा से था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता हंटर ने की थी, ठीक है। अवध में अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह को निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया, क्या बताएंगे? कलकत्ता भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया, ध्यान रखें, कलकत्ता इनको निर्वासित कोलकाता जीवन जीने के लिए भेज दिया गया था, ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है।
आप हमें ये बताइए 1857 के विद्रोह के समय दलबिप्रो में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने। किसने किया? वीर कुंवर सिंह जी ने किया। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया? नारायण गुरु ने। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संविधान से प्रश्न है। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सिन्हा। राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है तो क्या बताएंगे? 51। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश है उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया, उसकी जन्मजात भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा? 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, 26 जनवरी 1950। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात, ठीक है, भारत में जन्मा, उसको भारत में जन्मजात नागरिक है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1938 के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कौन से संविधान का अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19। ठीक है, संविधान का कौन सा अंश भारत में नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ईपीएसपी। ठीक है, बहुत सुंदर। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? उच्चतम या फिर सर्वोच्च? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता राष्ट्रपति है? जाना छुट्टी नहीं लिया है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के तो सम्मुखम चेट्टी होना चाहिए। ये कैसे हुआ? था तो 50 में बना था ना, 50 में बना होगा चेट्टी जी, ये 47 में ही बने होंगे। भारत का होगा फिर, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है, परमादेश किसे जारी किया जाता सभी सरकारी अधिकारी को भारतीय विधि किसी भी भारतीय सरकारी आदेश, ठीक है, निभाने के लिए? ठीक है, ध्यान। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। ठीक है, भारत के राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत्र उत्पादन करता है? कौन करता है? बिल्कुल, कर्नाटक था। लूसीफर एक ग्रह का नाम है, किसका है? लूसीफर डैश का एक अन्य ग्रह, लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है, शुक्र किसे है? शुक्र का लूसीफर नाम है। ठीक है, याद था, जानते थे पहले। ग्रह लूसीफर, ठीक है, लूसीफर किसका है? शुक्र का। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? गुरुमन जानते हैं। ठीक है, एक खगोलीय इकाई के बीच, ठीक है, एक खगोलीय इकाई के बीच की दूरी को किस रूप में निरूपित किया जाता है? बिल्कुल, ध्यान रखें, पृथ्वी और सूर्य। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता कन्वेक्शन है? पत्राग्र वर्षा। ठीक है, ध्यान रखें, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होता है? विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है, तो भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अक्षांश का 1 डिग्री अंश डैश के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक, यूरोप के किस देश को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं? इटली बेनिस को कहते हैं। ठीक है, बेनिस कहाँ पर पड़े, किस देश में बेनिस पड़ेगा? बेनिस शहर में रोड नहीं है, ठीक है, वेनिस केवल पानी पे ही सर बसा हुआ है। ठीक है, भारत के किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच, सॉरी, भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता तो है? आप दोआब। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठे ताजे और खारे का पानी का मिश्रण होता है? कहाँ पे होता है? नदमुख में होता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों का, ठीक है, एक पादप, ठीक है, मोनोकल्चर कृषि की डैश अनुपम प्राकृतिक छटा और नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निवरणीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी का अवैध कटाई और अनाधिकरण आखिर समस्या को अधिक जटिल बनाते हैं। अलवन जल कोटिरिकाए त्वरित गति से सूख रही है। ठीक है,
निर्वनीकरण और मैग्रोम का विनाश हो रहा है, यह उदाहरण निर्देशित स्थान कौन सा है? ठीक सुंदरवन है, देख अभी रहे हैं, गलत है सर, टॉपिक ही गलत है बनवासी, सुंदरवन, ठीक है, सर, ध्यान रखें, ठीक है। टॉपिक भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये टॉपिक होता है, नींद में लिखता है क्या? कहते हैं ये लोग गलत नहीं लिखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पर्यावरण का होगा सर, ऐसा मुझे ठीक है, लगा लखीमपुर खीरी में, ठीक है। होगा बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस स्थान में अवस्थित राजस्थान है? राजस्थान का है, लेकिन इसके ऊपर आज तक गलती छापने का रिकॉर्ड नहीं लगा, ठीक है। बड़ा सुनते छाप, देख दुख के छापता है ये लोग, ठीक है। बात करेंगे में। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य किस स्थित में है? के शुक्ला शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य का नेपाल में है। नेशनल पार्कों में किस किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से, ठीक है, उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? किसकी होती रहती है? ध्यान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम दफा का बदलते रहता है, ठीक है। नाम दफा यूरोप में नहीं, मिजोरम में पड़ता है, यूरोप में, मिजोरम बोल रहे हैं, अरुणाचल अरुणाचल है कि मिजोरम में, किधर है? है, अरुणाचल अरुणाचल है, ठीक। मिजोरम में कौन सा है? वहां नमसा बोलो, पे वो नहीं, अरुणाचल, मैं मिजोरम में मोलिंग अरुणाचल जो है मिजोरम में है सर। डाम्फा, डाम्फा भी तो है ना, नाम डाम्फा दफन जी, अरुणाचल प्रदेश। अरे दाम्फा सर मिजोरम है, नाम दफा सर इधर है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। नाम दफा अरुणाचल, दाम्फा मिजोरम है, ठीक है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या चीज को दर्शाती है? तो अनुवांशिक भिन्नता को। भारत में जैव भंडारों में कौन गारो, ठीक है, गारो पहाड़ियों में फैला हुआ था नोकरे, कहाँ पे नोकरे? मेघालय में, कहाँ पे है? मेघालय में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है किसमें? सूचीबद्ध होती है, क्या बताएंगे? रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध होती है, ठीक है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब उसने अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई, कितने वर्षों तक नहीं देखी गई? तो 50 वर्षों तक देखी नहीं गई है तो, ठीक है। बात करेंगे डुगोंगा नामक समुद्री जीव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि विलोपन के कगार पे, क्या है ये? स्तनधारी मैमल, इसको समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, ठीक है। समुद्री गाय की क्या खाती है? घास खाती है, क्या खाती है? मांसाहारी नहीं होती, शाकाहारी होती है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तमिलनाडु अच्छा में बना भी तो है स्तनधारी, इसका, एक रिजर्व बना है डुगोंग तमिलनाडु में रिजर्व। है इसका, क्या? ये डेटा बुक कौन रिलीज करता है सर, याद नहीं आ रहा। 1948 में कौन सा हुआ? UCL, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं तो देखेंगे क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष किस किस प्रकार बदलाव किया है? जुलाई जून से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया, क्या कर दिया आपने? जुलाई जून से बदल के क्या अप्रैल होता है, मार्च, एक क्या? समुद्री घोड़ा भी होता है ना। हाँ, सी हॉर्स ठीक है, सी ओर्स होता है, मछली है कि नहीं? सी ओर्स नहीं, मछली है, मछली है, स्टार सी फिश हॉर्स मछली नहीं है, मछली सी हॉर्स है। मछली है, अच्छा, ठीक है। देखिए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबरी होगी, ठीक है, वही मतलब एक देश का राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है। उच्च बजट वाली, ठीक है, उच्च बजट वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण, ठीक है, पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण, ठीक है। बुल्क कैपिटलिस्ट, ठीक है, मतलब बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? उन किसानों का जिनके पास कुछ साधन तो है पर ढानद नहीं है, ठीक है, कुछ साधन तो है पर वो ढानद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनको बुल्क कैपिटलिस्ट पे बैल पूंजीपति कहते हैं। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन है? तो बासमती चावल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बासमती राइस, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है, क्या है और प्रश्न? जयंत राय, JM ट्रिनिटी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर, ठीक है। JN, ठीक है, जाम, JAM, जाम ट्रिनिटी से क्या है? तो जनधन योजना, ठीक है, A से आधार, M से मोबाइल नंबर, ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपाय माप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, GDP। अटल नव अटल, ठीक है, अटल क्या है? अटल नवोन्मेष मिशन, AIM किस विभाग की प्रमुख पहल थी? केरल में लॉन्च की गई नीति आयोग के द्वारा। हाँ, भारत में थोक मुद्रा सूचकांक WPI की आंकड़े कौन सी संस्थान जारी करती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, LC, ठीक है, साख पत्र LC है, ठीक है, एक निर्यातकर्ता के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विज्ञान से कुछ प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। मेंडलीव के अभाव नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं डैश के आवर्त फलन है, ध्यान रखें, परमाणु भार के। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्या बताएंगे? यूटेन ठीक है, एक होता है आपका, वो होता है, ठीक है,
कार्बेटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बेटर। कार्बेटर किस इंजन में यूज होता है, पेट्रोल पेट्रोल इंजन में, भी डीजल इंजन में, या डीजल फिर इंजन दोनों में में? तो दोनों में होता है ना। कार्बोरेटर नीला क्या? नीला थोथा का रासायनिक नाम है क्या, है तो क्या बताएंगे, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, फार्मूला क्या होता है, तो CuSO4 होता है, ठीक है। ऑक्टेन संख्या, ठीक है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मान, देखिए हमें पेट्रोल होना चाहिए ईंधन दे रहा है, गलत है ना ये ऑक्टेन संख्या, ठीक है। सीटेन किसका होता है, सीटेन किसका होता है, डीजल का डीजल का, कौन सी, मरकरी ईंधन में तो सारे आ जाएंगे ना, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है, पारस। सोडियम वाष्प लैंप, प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभाग नहीं होती है। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। कभी मतलब क्या होगा, रात में 11 बजे 12 बजे कहीं से निकलिए, ठीक है, कहीं से फंस गए और बारिश में जो शहर के बीचों से गुजरिएगा, दूर से मतलब जो एकदम पीला पीला वाला लाइट जो आते रहेगा, तेज तेज बारिश होते रहेगी तो लाइट बहुत सुंदर लगते रहता है देखने में, ठीक है। तो इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है, पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है। तो एक जैसा लाइट पड़ेगा ना, काफी सुंदर लगता है। ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है, हाँ, ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाता है, नितल नितलस्थ, क्या बोलते हैं उसको, नितलस्थ। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग में लाया जाता है, किसका लाता है एथेनॉल में, तो सैक्रोमाइजिस सेरेवेसी, क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइजिस सेरेवेसी, ठीक है। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को पर कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव डॉक्टर कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब देखेंगे शिक्षा एवं बाल, ठीक है, मनोविज्ञान जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये करना जो खूब पढ़ते रहता है, सर प्याजे की तुम सुन सुन के पक गए थे प्याजे पर पढ़ के, ठीक है। मेरी एक थ्योरी बहन तैयारी का बोला प्याजे ही पढ़ रही होगी, प्याजे प्याजे दिन भर प्याजे प्याजे प्याजे, कौन है ये प्याजे, ठीक है। संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण में संचार पढ़ लेते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मध्य, ठीक है, तथ्य विचार और संपत्ति तथा भावनाओं के विनियम है। संप्रेषण की परिभाषा किसने दी, न्यूमैन तथा शमर ने दी, ठीक है। एलिस एल एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया को कितने तत्व बताए, 4 तत्व। ये सब आएगा हम लोग के एग्जाम, ये सब संप्रेषण वगैरह तो नहीं है हम लोग का, सीधे खेल कूद पे चलता था। चलिए, पहला बैडमिंटन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था, 1877 में हुआ था, कब हुआ अच्छा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला बैडमिंटन कब हुआ था, 1877 में हुआ था, सबसे पुराना है ये, ठीक है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी, 81 में, ठीक है, 81 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंच ओपन, अच्छा कोई ठीक नहीं क्या बना, याद है विम्बलडन कब हुआ था, पहला विम्बलडन, विम्बलडन 1877 में, ठीक है। यूएस ओपन, 81 91 अठारह 1905 91 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, 1905 में 1905 1905 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस शब्द से संबंधित है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित, लॉन टेनिस से, ठीक है, किससे संबंधित है, लॉन। चलिए आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न और भी है, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पे खेली जाती है, ये यूएस हाँ ओपन हार्ड पे, ठीक है, ध्यान रखिए, यूएस ओपन हार्ड पे, ठीक है। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये ग्रास पे, ग्रास ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस पे खेले, फ्रेंच ओपन क्ले पे, ठीक है, ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस पे खेलते हैं, हार्ड पे, ठीक है, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया और यूएस हार्ड पे है, ठीक है, कोर्ट विम्बलडन ग्रास पे है, फ्रेंच ओपन क्या है, क्ले पे है, क्या चारों में सबसे पहला कौन सा होता है? चारों ही फेमस है, लास्ट में एंड ईयर ऑफ एंड में सबसे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रेंच, यूएस, पहला 1877, 1877, ठीक है। इसका कौन बहुत है, सही, विम्बलडन का, फ्रेंच का, फ्रेंच 1881, इक्यासी 81 ना, सबसे लास्ट में नहीं था, ऑस्ट्रेलिया किसका सर, ऑस्ट्रेलिया 1905 है, इक्यासी लास्ट ऑस्ट्रेलिया है, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया 1905 है, फ्रेंच कब है, है, 81 81 91 जो यूएस बच गया सबसे ऊपर है पहला, ऊपर इधर है,
ठीक है, 1891। अभी मिलाएंगे आप लोग का, गलती तो नहीं बताया। बताओ। तो पहला आपका फॉर्म है, विंबलडन पहला तो सर सर्वोत्तम ठीक है, यूएस ओपन 1891 लगाया, तो कौन लगाया था 1891? 81 लिखे थे, 91 ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 1905 वही ठीक है, लिखे फ्रेंच हुए 91 और और यूएसए यूएस 81 में, 81 ठीक है। सही यूएस है, 81 में लिखे थे सर, यूएस फ्रेंच, यूएस 81 है और फ्रेंच 51। तो घूमना फ्रेंच जो भी है 91 सही है, जाएगा। ओपन सीखी जाए तो घूम ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 1905 में ठीक है, विंबलडन 1877 में ठीक है, यूएसए की बात करेंगे, यूएसए 81 में ठीक है, और 91 में फ्रेंच है ठीक है। कृषि को लेकर प्रश्न था, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मिश्रित कृषि ठीक है। गेहूं का काला टिक रोग ठीक है किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण। मटर में मार्श रोग क्या कहलाता है, क्या कारण है मटर में मार्श रोग का? मैगनीज के कारण। दलहन फसलों में कौन सा रंग, दलहनों फसलों में कौन सा रंग पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, क्या बोलते हैं उसको? एक मिनट लेग सुनो, हीमोग्लोबिन ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोनी किस प्रकार की फसल प्रजाति है? टमाटर बिल्कुल टमाटर की ठीक है। धान का खैरा, धान का प्रसिद्ध खैरा का नाम जिंक का क्या कारण है, अंडा किसके? जिंक की कारण से है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? से, उर्वरक से, पटना उसी को से, रजत क्रांति को ही बोलते हैं। भूरी क्रांति किससे सिल्वर संबंधित सिल्वर है? बोलते हैं, फर्टिलाइजर से, कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई? 1905 में। हेलो क्या अध्ययन है, हेलो क्या हेलो, कंट्रोल जाता है? कंट्रोल प्लस, प्लस, कंट्रोल प्लस का ठीक है, ध्यान रखेंगे ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस प्रकार का शॉर्टकट का प्रयोग किया? कंट्रोल प्लस ठीक है। साइबर लॉ में डॉस क्या होता है? डॉस डॉक्यूमेंट्स, मेंटेनर ठीक है, डॉस का ऑफिसर्स, फुल फॉर्म ठीक है, साइबर लॉ के हिसाब से ठीक है, डिनाइल ऑफ रिसर्व, उसे साइबर डॉस का फुल फॉर्म होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। नहीं, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। खुद का ऑफिसर्स, माइक हो रहा है इतना। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली, अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है क्या? स्पैम कहलाता है। क्या कहता है? स्पैम कहलाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है? वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर का सामान्य रूप क्या? मॉडेम है ठीक है। ओबीडीसी का पूरा नाम क्या है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ठीक है, ध्यान रखेंगे। टीएफटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है। शेष जो है 127 पेज पे है तो है ही नहीं ठीक है, आप ये एक मिनट सुलझलना वाला टॉप है। सर जब से